नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवानी। जितिया या जीवित पुत्री का व्रत भक्ति और उपासना के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत माताओं के लिए खास मायने रखता है। सनातन धर्म में माएँ अपनी संतान के स्वस्थ जीवन, लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए 24 घंटे निर्जला उपवास रखकर ये कठिन व्रत करती हैं। ऐसे ही नहीं, माताओं को त्याग और बलिदान का पर्याय माना जाता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम और आप जाने कि माओं द्वारा इतना कठिन व्रत रखने की ऐसी कौन सी खास वजह है, इसके पीछे कौन सी ऐसी घटना है जिसके बाद से जितिया व्रत रखने का प्रचलन शुरू हुआ। शायद आप में से कई लोग इस व्रत के पीछे की वजह जानते होंगे, व्रत के कथा को सुना होगा, लेकिन जिन्हें मालूम नहीं है उनके लिए यह वीडियो खास होने वाला है। जितिया व्रत को अन्य नाम जैसे जीवित पुत्रिका या जीवतिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे मनाने के पीछे कई सारी मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसे महाभारत की कथा से जोड़ते हैं, तो वहीं चील सियारिन की कहानी भी पौराणिक मान्यताओं में जितिया को मनाने के पीछे का कारण बताई जाती है। वहीं इसे मनाने के पीछे जिमूतवाहन भी माने जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको इन तीनों कथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। पहली कथा जो हम सुनाने जा रहे हैं वो है चील और सियारिन से जुड़ी हुई। दरअसल पुराने समय में नर्मदा नदी के तट पर कंचनवटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिमी दिशा में फैले मरुभूमि में एक विशाल पाकड़ का पेड़ था जिस पर एक चील रहा करती थी। वही पेड़ के नीचे वाले भाग में एक खोखला जगह था जिसमें एक सियारिन रहा करती थी। इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। एक बार इन दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने ही कथा को सुनकर और जितवाहन भगवान की पूजा अर्चना की। लेकिन व्रत वाले दिन ही शहर के एक धनी व्यापारी की मौत हो गई और दाह संस्कार के लिए व्यापारी के मृत शरीर को उसी तट पर लाया गया। इधर सियारिन से यह निर्जला उपवास वाली व्रत भारी पड़ रहा था और भूखी रह नहीं पा रही थी, और मृत शरीर को देख सियारिन खुद को रोक ना सकी और चील से छिपाकर अपना व्रत भंग कर लिया। वहीं दूसरी तरफ चील ने खुद पर संयम रखते हुए श्रद्धा और नियम के साथ व्रत को पूरा किया और विधि विधान के साथ उपवास के अगले दिन पारण भी किया। कुछ समय के बाद दोनों का यह जन्म पूरा हो गया और अगले जन्म में दोनों ने ही एक ही ब्राह्मण के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसमें चील बड़ी बहन बनी जिसका नाम शीलवती था, जबकि सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी जिसका नाम कपूरावती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन से हुई, जबकि कपूरावती की शादी उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। पूर्व जन्म के फल से और जिमूतवाहन भगवान की कृपा से शीलवती के 7 पुत्र हुए जो कि राजा के दरबार में काम करने लगे, जबकि कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। एक बार जलन से उसने अपनी बड़ी बहन के सभी संतानों के सर धड़ से अलग करके लाल कपड़े में ढक शीलवती के पास भिजवा दिया, मगर भगवान जितवाहन ने 7 पुत्र को जीवित कर दिया। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के दुख को देखने के लिए खुद ही वहां पहुंच गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ देख वह फिर से रोने लगी, जिसके बाद उसकी बड़ी बहन ने उसे पूर्व जन्म के किस्से को सुनाया कि किस तरह पूर्व जन्म में वह सियारिन के रूप में व्रत को तोड़ दिया था। इसके बाद शीलवती ने जितिया को विधि विधान से करने की सलाह दी। तब छोटी बहन कपूरावती ने नियम के साथ पूजा की और फिर से उसकी गोद भर गई। दूसरी कथा में हम जिसकी चर्चा करेंगे वो महाभारत काल से जुड़े मान्यताओं के बारे में है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में घुस गया था, जहां अश्वत्थामा ने शिविर में सो रहे 5 लोगों को पांडव समझकर मार दिया। लेकिन अश्वत्थामा ने गलती से द्रौपदी की 5 संतानों को मार दिया। अश्वत्थामा के इस जघन्य अपराध के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और अश्वत्थामा के माथे से उसकी दिव्य मणि भी निकाल ली। अब इसके बाद अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान और धनुर्धर अर्जुन के पौत्र की रक्षा की, और जिस दिन यह घटना हुई उस दिन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी
तिथि थी और तभी से इस दिन पर द्वितीया या फिर जीवित पुत्रिका व्रत रखे जाने की प्रचलन शुरू हुई और महाभारत काल से लेकर अभी तक माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती आ रही हैं। तीसरी कथा में हम बात करेंगे जिमूतवाहन की। यह कहानी नागवंश से जुड़ी हुई है जिसमें नागवंश परिवार की एक बुढ़िया इस बात से रोती रहती है कि उसके इकलौते बेटे को आज शपथ के अनुसार पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाना है। उसकी यह समस्या को सुनकर उस जंगल से गुजर रहे जिमूतवाहन राजा उसकी समस्या को दूर करने का वचन देते हैं और बुढ़िया के बेटे की जगह वह खुद ही गरुड़ का भोजन बनने चले जाते हैं। गरुड़ को शक होने पर वह उनके बारे में पूछता है। तब जिमूतवाहन की वीरता और परोपकार भावना से खुश होकर वह सांपों से कोई भी बलिदान नहीं लेने का वचन दे देता है। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया मनाया जाता है। कहा जाता है कि द्वितीया व्रत के दिन माताओं द्वारा द्वितीया व्रत कथा श्रवण मात्र से ही संतान के ऊपर आने वाले संकट दूर हो जाती है। पूरी श्रद्धा से इस व्रत को मनाने के पीछे काफी बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को शादीशुदा महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी रखती हैं। संतान के सुख शांति वैभव और स्वस्थ एवं लंबी उम्र के लिए अत्यंत महत्व रखता है। समय के साथ साथ इस व्रत को रखने का प्रचलन भी काफी तेजी से बढ़ा है। यही वजह है कि बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश के साथ पड़ोसी देश नेपाल में भी माताएं अपनी संतान के लिए यह व्रत रखती हैं। इसके साथ ही आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि इन तीन कथाओं के अलावा ऐसी कोई कथा जो द्वितीया व्रत को लेकर कही जाती है या फिर आपने इन तीन कथाओं में से कौन सी कथा पहले सुनी थी। कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।